महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे। और कहते हैं कि युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नर्क दोनों को देखा। महाभारत केवल हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि महाकाव्य भी है। महाभारत में कौरव की हार हुई और पांडव ने हस्तिनापुर में राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडव को नर्क जाना पड़ा। हस्तिनापुर पर राज करने के बाद पांडव हिमालय चले गए थे। रास्ते में द्रौपदी समेत चार भाई की मृत्यु हो गई। वहीं युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को देखा। वहीं उनके चार भाई पांडव नर्क में थे। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिए। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न पूछने वाले भीम के मन में यह भी जिज्ञासा उठी, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का पक्ष लेते रहे। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम चाहे वे किंचित क्यों न हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। वह क्या था? भीम ने पूछा। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किए। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हो, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्प रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण समय के लिए उनकी आत्मा को स्वर्ग में सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई। और कुछ समय बाद दुर्योधन और पांडव ने फिर से एक साथ बिताया समय। तो दोस्तों, आप लोगों को दुर्योधन की यह अद्भुत और विचित्र कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने किस प्रकार छल के साथ सब किया और फिर भी पांडव ने जीत हासिल की। महाभारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोग भी इस विषय पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।